दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आजकल अक्सर लोग कम उम्र पर ही प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियां 14-15 वर्ष की उम्र से ही ये सब शुरू कर देती हैं, यानी कि लड़कों की ओर आकर्षित होने लगती हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो इतनी फास्ट होती हैं कि 15-16 वर्ष की उम्र तक वे अपना बॉयफ्रेंड भी किसी लड़के को बना ही लेती हैं। लेकिन एक बात सच है कि जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लड़कियां प्यार में अपनी इच्छाएं बदलने लगती हैं, उनकी सोच बदलने लगती है, उनके लिए प्यार के मायने बदलने लगते हैं। अक्सर देखने में आता है कि इस उम्र की लड़कियां लगभग 20-25 वर्ष के लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। सच बात तो यह है कि इस उम्र का प्यार प्यार नहीं होता है, महज एक आकर्षण होता है, किंतु धीरे धीरे वही आकर्षण प्यार में भी बदल जाता है। ज्यादातर मामलों में लड़कों की उम्र लड़कियों से ज्यादा होती है और कई लड़के तो उनकी इस उम्र का फायदा भी उठा लेते हैं। और यह उम्र वो उम्र होती है कि इस उम्र पर अगर वह चस्का लग गया तो लड़की जीवन भर उस चस्के को भूल नहीं पाती, उस आदत को छोड़ नहीं पाती, उन्हें एक नशा जैसा लग जाता है। एक बार ये सब होने के बाद एक लड़की एक लड़के से कहीं ज्यादा इस काम को करने की इच्छा रखने लगती है। वे लड़कियां जो इस काम में कम उम्र में ही पड़ जाती हैं या उनके साथ कम उम्र पर ही ये सब हो जाता है। किंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। आज भी काफी लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। दोस्तों ये बात सच है कि अक्सर लड़के चेहरे और फिगर को देखकर प्यार में पड़ते हैं। यदि एक लड़की का सुंदर चेहरा है और अच्छा फिगर है तो अक्सर लड़कों को वह आकर्षित करता है और ऐसी लड़की को पाने की चाह भी लड़के रखते हैं। और जैसे ही ऐसी लड़की उन्हें दिख जाती है तो तुरंत उसके बारे में यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह पहले किसी से पटी है या नहीं, इसने पहले किसी से प्यार किया है या नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। चलो बताते हैं कैसे जानेंगे। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करने लगें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका होता है, वे प्यार की आदी हो चुकी होती हैं। ऐसी लड़कियां किसी दूसरे लड़के के प्यार में जल्दी ही पड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, 80% से ज्यादा लड़कियां आजकल प्यार प्यार के चक्कर में प्रेजेंट टाइम में पड़ी होती हैं। नंबर वन, जो लड़कियां किसी लड़के से प्यार कर रही होती हैं या उनका कोई बॉयफ्रेंड होता है, वे जल्दी लड़कों को देखती नहीं, यहां तक कि जल्दी आकर्षित भी नहीं होती हैं। वही यदि लड़की सिंगल है तो निश्चित ही किसी लड़के को देखकर उसकी नजरें कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश अवश्य करती हैं। यदि कोई लड़की पहले से ही प्यार कर रही है या प्यार में पड़ चुकी है किंतु प्रेजेंट टाइम में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया, ऐसी लड़कियां काफी बोल्ड स्वभाव की हो जाती हैं। उनकी झिझक और बातों में हड़बड़ाहट लगभग खत्म हो चुकी होती है। ये मत सोचना कि आजकल की लड़कियां सभी बोल्ड होती हैं, बात करने में बहुत एक्टिव होती हैं। ये बात सच है, जब प्यार की बात आती है तो अच्छे अच्छों की आवाज लड़खड़ा जाती है। वहीं जब कोई एक लड़की प्यार में पहले से पड़ चुकी होती है तो हर एक टॉपिक पर वह खुलकर बात कर सकती है। प्यार से संबंधित बातों में किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वह प्यार की बातें भी धारा प्रवाह बोल सकती है। थर्ड नंबर, यदि लड़की बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, हर तरह की बातें करने लगती है, वैसी बातें भी करना उसे पसंद है, तो निश्चित ही वह पहले प्यार में पड़ी रह चुकी है। क्योंकि जिस लड़की ने इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की है, वह सहसा आसान तरीके से बात करने में हिचकती है, शर्म महसूस करती है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। यदि आप ऐसी बातें करते हुए लड़की की आंखों में देखेंगे तो उसकी आंखों में लज्जा साफ नजर नहीं आएगी या साफ नजर आएगी। दोनों ही स्थितियों में आप जान सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जो प्यार में पड़ चुकी है और सब कुछ कर चुकी है,
तो निश्चित ही वह बेझिझक सब कुछ करेगी, उसकी आंखों में कोई लज्जा नहीं होगी, वह आपको देखकर अपनी नजरें नीचे कम ही झुकाएगी, यहां तक कि वह अपनी ओर से टच करने की कोशिश भी करेगी, हाथ भी मिला सकती है। तो ऐसी लड़की प्यार में पहले पड़ चुकी है। प्यार करने वाली और ना करने वाली लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देती है। यदि लड़की साथ में जल्दी घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लड़कों के साथ दोस्ती करना पसंद करती है, आपके पसंद के विपरीत अक्सर लड़कों से बात करने लगे, तो ये निश्चित संकेत बताते हैं कि वह लड़की पहले प्यार में पड़ी रह चुकी है। ऐसी लड़की जो प्यार में पड़ते ही या आपसे दोस्ती होते ही आपसे तमाम तरह की डिमांड करने लगे, तमाम तरह की अपनी इच्छाएं बताने लगे, जल्दी ही आप में घुल मिल जाए, यहां तक कि हर एक बात कहने के लिए बेझिझक आपसे कह दे, तो निश्चित ही ऐसी लड़की पहले प्यार में पड़ चुकी है। और उसके प्यार की क्या हद थी यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले से प्यार में पड़ी लड़कियों के हिचक और भय लगभग खत्म हो चुका होता है। यहां तक कि जो लड़कियां पहले प्यार कर चुकी होती हैं, वे काफी अनुभवी और साहसी भी हो चुकी होती हैं। इतना ही नहीं, पहले प्यार में पड़ी लड़कियां लालची और स्वार्थी भी हो जाती हैं। इस तरीके से आप आसानी से जान सकते हैं कि लड़की पहले प्यार कर चुकी है या नहीं।